नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर नामदेव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे शरीर या मेल या फीमेल में शरीर पे अनचाहे बालों का उगना। जहाँ पे बाल नहीं उगने चाहिए वहाँ पे बाल अगर उगने लग जाते हैं तो उसको अनचाहे बाल या हिस्टूटिज्म कहते हैं। दोस्तों, ये हिस्टूटिज्म फीमेल में ज्यादा होता है, जैसे फीमेल के फेस पे, यहाँ पे मूंछों पे या चिक पे बाल उगने लग जाते हैं, कभी नेक पे उगने लग जाते हैं या पीछे पीठ पे या पेट पे या छाती पे अगर अनचाहे बालों का उगना शुरू हो जाते हैं तो उसको हिस्टूटिज्म कहते हैं। दोस्तों, मेल में दोस्तों जहाँ पे बाल नहीं उगने चाहिए वहाँ पे उगने लग जाते हैं, जैसे यहाँ पे नेक पे उगने लग जाते हैं तो उसको अनचाहे बालों का उगना कहते हैं। दोस्तों, अनचाहे बालों का उगना ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान होता है, जब हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है हमारे शरीर में, उस समय ये बालों की समस्या होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अनचाहे बालों का उगना किस कारण से होता है, किस वजह से अनचाहे बाल उगने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें पहला कारण है हार्मोन का इम्बैलेंस। जब हार्मोन का इम्बैलेंस शरीर में हो जाता है तब ये अनचाहे बाल उगने लग जाते हैं। इसमें दोस्तों फीमेल में दोस्तों दो तरह के हार्मोन होता है, एक एंड्रोजन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन दोस्तों मेल हार्मोन होता है जो बहुत ही कम मात्रा में होता है। जब ये दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, जब इसका लेवल बढ़ जाता है तब स्त्रियों में अनचाहे बालों का उगना शुरू हो जाता है। जहाँ बाल नहीं उगने चाहिए वहां पे बाल उगने शुरू हो जाते हैं। इसका पहला यही कारण है दोस्तों। दूसरा कारण है दोस्तों इंसुलिन का बढ़ना। इंसुलिन का जब हमारे शरीर में नॉर्मल लेवल से अगर लेवल बढ़ जाता है तब अनचाहे बालों का उगना शुरू हो जाता है। दोस्तों, फीमेल में भी इंसुलिन का लेवल जब बढ़ता है तो बाल उगने शुरू हो जाते हैं, और मेल में भी जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है नॉर्मल से अबव हो जाता है तब बाल उगने शुरू हो जाते हैं। तीसरा कारण है दोस्तों पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। दोस्तों, ये फीमेल में होती है, ओवरी में सिस्ट बन जाती है। जब ये पीसीओडी होती है तब भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण अनचाहे बालों का उगना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों हिर्सुटिज्म के क्या साइन एंड सिम्टम है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें अनचाहे बालों का उगना है, जहाँ पे बाल नहीं उगने चाहिए वहां पे बाल उगने लग जाते हैं, और इसके साथ में स्किन ऑयली हो जाती है, फीमेल की जो वॉइस होती है वो भारी हो जाती है, आवाज थोड़ी सी भारी होने लग जाती है, जैसे मेल की आवाज होती है वैसे भारीपन आने लग जाता है, और फेस पे पिंपल्स भी होने लगते हैं। दोस्तों, हिस्टूटिज्म के लेबोरेटरी फाइंडिंग से भी अपन पता लगा सकते हैं कि ये किस वजह से होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन का चेकअप कराएंगे तो इंसुलिन का लेवल है वो ज्यादा आएगा। दूसरा दोस्तों, यूएसजी सोनोग्राफी करवाएंगे एब्डोमन का तो पीसीओडी आएगी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से भी पता लगा सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ गया है जिसके कारण अनचाहे बालों का उगना शुरू हो जाता है। तीसरा टेस्ट है दोस्तों हार्मोन लेवल का पता लगाना। हार्मोन टेस्ट करवाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल है अपने बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा। जो भी पेशेंट इस बीमारी से गुजर रहे हैं, जो परेशान हैं, वो अगर ये दवाई लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें दोस्तों पहली मेडिसिन है ओलियम जैक 3x। ओलियम जैक 3x मेडिसिन दोस्तों बहुत ही अच्छा रोल है इसमें अनचाहे बालों का उगना। ये दोस्तों मेल और फीमेल दोनों में काम करती है, मेल या फीमेल दोनों ले सकते हैं दोस्तों। जहाँ अनचाहे बाल उग रहे हैं उसकी ग्रोथ को कम करती है और धीरे धीरे उस रोग को खत्म करती है दोस्तों। तो दोस्तों ओलियम जैक 3x की आप 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली रात को लेनी है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों थुजावर्नम। थुजावर्नम की दोस्तों 2 ड्रॉप आपको सुबह सुबह 1 बार लेनी है, महीने में 1 बार ही लेनी है। जैसे आप महीने की 1 तारीख को ले सकते हैं, अगले महीने की 1 तारीख को दोबारा लेनी है। ये दोस्तों महीने में सिर्फ 1 बार यूज करनी है। ये भी अनचाहे बालों में बहुत ही अच्छा काम करती है और धीरे धीरे इसकी ग्रोथ को रोकती है और बालों को उगने में रोकती है। तीसरी दवाई है दोस्तों REPL की 53 नंबर दोस्तों। ये दवाई जो आप देख रहे हैं ये भी हिस्टूटिज्म में बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों। ये भी मेल या फीमेल दोनों में अगर अनचाहे बाल उगते हैं उसको ठीक करती है दोस्तों। इसकी दोस्तों लेनी कैसे है तो 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लेनी है दोस्तों। 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में और 15 बूंद रात को। दोस्तों ये तीनों मेडिसिन
जो मैंने आपको बताई है वो कम से कम आपको 8 से 10 महीने तक यूज करनी है और धीरे धीरे ये हिस्टोटिज्म को अनचाहे बालों को ठीक करती है, उनकी ग्रोथ को रोकती है। और अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसकी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पूरा होता है और अगले नेक्स्ट टॉपिक में अपन दोबारा मिलेंगे।